तुम नाश्ते में बन गया हमारी मैगी, प्याज का तड़का लग चुका है। चलते चलते टायर को पता नहीं क्या हो गया भाई। तो गाइस ये ना आज का तीसरा पंचर लगा भाई टायर पे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप, आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे बढ़िया रहना। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है ना, तो आज हम यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और फोटो शूट करेंगे। कल रात को आए यहाँ नागटिब्बा, कल रात को पहुंचे हम रात की 9 बजे। पहले तो हम रास्ता ही भूल गए थे, बिल्कुल ही हार मान ली थी कि हाँ आगे नहीं जाना। तो अभी जा रहे हैं मुंह हाथ धोने के लिए पानी के पास। यहाँ ना पानी ऊपर भी नहीं है, पहले मंदिर में आता था और मंदिर के बगल में भी आता था, जहाँ हम रात को है थे ना उसके बगल में भी आता था। बट वहाँ आजकल पानी नहीं आ रहा क्योंकि आग जंगलों में वैसे लग रही है, तो पानी कहाँ से आना। चलते पहले मुंह हाथ धुलते हैं। तो हम पहुंचने वाले पानी के पास, तो यहाँ पे भरना है पानी। चलो चलो जल्दी धुलो मुंह हाथ, पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना। कैसा लग रहा है संदीप भाई? तो हमने मुंह हाथ तो धुल दिए और खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके जा रहे हैं। तो अब चल रहे हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। ये लो जी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। कल तो ये है सुरकंडा माता का टेंपल। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब चल रहे हैं सीधा जहां हम खाना बना रहे थे। अभी तो पैकिंग बुकिंग भी करनी है। तो चाय बन चुकी है, अब चाय आ रही है। चाय 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 जितने भी है ये सारे तत्तुड़ के ही हैं, हमारे इलाके के। ये अमित भाई भर भर के दे बैंगर की बहुत है वो। और एक चाय के साथ चल रही ब्रेड। तो अब नाश्ते में बन गई हमारी मैगी, यहाँ पे प्याज का तड़का लग चुका है। मैगी को यहाँ पे फोड़ रहे भाई लोग, सब बैठे हुए हैं। देखो 15 लोग आ रहे टोटल सत्तीउड़ से, कोई कल के आ रहे थे, कोई परसों के आ रहे थे। आ जाइए आ जाइए। तो जब तक ये मैगी बन रही है तब तक हम फुटबॉल खेलते हैं। अबे भाई परफेक्ट। तो सब लोग बैठ चुके हैं मैगी खाने के लिए। शकल दिखा दो भाई ऊपर थोड़ी थोड़ी। देख 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 देख। अब जितना भी कचरा है ना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, यहाँ से अब जाने की तैयारी। और जो हमारे साथ के लोग थे वो चले गए यहाँ से इस वाले रास्ते से, और हमें जाना है यहाँ से। चलो गाइस अब यहाँ से घर के रास्ते। तो गाइस हम कल रात को ना यहाँ पे रुके थे, यहाँ से हमारी उम्मीद टूट गई थी। बट लब्बी भाई ने कहा कि चलो आगे चलो आगे चलो, तो यहाँ से भूल गए थे हम रास्ता। हमने सोचा इधर को कहाँ जा रहा, जो मंदिर का लोकेशन बता रहा था इस साइड बता रहा था। ठीक है तो यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क आ गए, ये एरो यादगार पर लोग भी आ ही रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्या प्लान बनता है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लग रही है बहुत तेज भूख और अब बनाएंगे वहाँ पे हम खाना। तो यहाँ पे भी खाना बनाना कैंसिल हो गया, कुछ यहाँ के बंदे मिले उन्होंने मना कर दिया। ये रास्ता है नीचे वाला, वो भी मना इसलिए किया इन्होंने कि आग लग जाएगी। ये हमने कहा बुझा के चले जाएंगे यार, हम भी हैं कि लोकली। यहाँ पे खाना बना रहे हैं आलू की झोली, और संदीप भाई वहाँ पे चूल्हा बना रहे हैं, लगाए रहते हैं प्याज काटने के लिए। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है, आलू प्याज टमाटर, और ये इसमें ऑयल पड़ चुका है। और कुकिंग मैन है हमारे लब्बी भाई, जो भी नाठी भाई आएगा वो अपना फाइबर लेके आए। यहाँ पिंग बहुत हाई जाती है यहाँ पे, मतलब कुछ भी बोलो उसका उल्टा होता है, इंसान को रटपट हो जाता है रटपट। और ये चावल भिगोने के लिए रखे हुए थे। ये हमारा पानी पड़ चुका है। ये भाई तेल कम पड़ेगा गाइस। ये डल चुके हमारे प्याज, ये डाल दें हमने टमाटर, और ये स्वाद अनुसार नमक, ये मसाला मसाला पड़ रहा है। और ये पड़ गया हमारे आलू, एक साबुत आलू पड़ गया। काटा क्यों नहीं भी ये? अब नमक ठीक है अभी फिलहाल, तेज नहीं है, तेज है अभी, फिर ये डलेगा ना उनमें। मैंने तब वही तो बोला तेज। तो हमने ये चावल भिगोने के लिए रखे हुए थे, अब इसमें खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी, और ये पड़ रहे चावल। ये देख
इसने भी गिरा दिया। देख पानी नहीं हमारे पास, थाली तो है नहीं, इसने मुझे थाली बना दी, ये भी बना ही रहा है अपने लिए थाली। चिड़ी वहाँ बन रही है और वो उड़ने वाले मुझे लग रहा है। बन चुकी है इस भाई की थाली, भाई हमारा थाली बन चुकी है। तो ये सबकी थाली हो चुकी है रेडी और ये ओपनिंग। ओ हो भाई, पक गया मजा आएगा अब तो खाने में। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से सीधे। तो हमने यहाँ पे आग भी बुझा दी है और अब यहाँ से चलते हैं। और साफ सफाई भी हो गई है, चक्कू छूट गया भाई हमारा। चलो भाई तो चढ़ने लग गए गाइस यहाँ से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप पे। आओ यार आओ जल्दी आओ, यहाँ पे पानी पियेंगे ना। एक्टिवा की पैदल ट्रिप खत्म। तो हम पहुंचने वाले हैं सड़क के पास और यहाँ से थोड़ी सी दूर है सड़क। तो हम सड़क पे तो पहुंच चुके हैं। स्कूटी हमने कल के लगा रखी थी, थकान इतनी ज्यादा लग गई ना, बहुत ज्यादा। सही मैं कह रहा हूँ, कब पहुंचेंगे घर पे। घर पे जाके नहाना है फिर सो रहा है। तो भाई लोग सब पहुंच गए हैं, करते हैं गाड़ी स्टार्ट, चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी ऐसा सीन हो गया ना, टायर है ना वो हो गया है पंचर, पीछे वाला टायर पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। जब ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी थी तो वहीं से ही पंचर हो गया था ना। क्या ही बोलो यार, कल लब्बे भाई की गाड़ी खराब हुई थी, आज मेरा टायर पंचर हो गया। तो गाइस वाला पंचर लगा हुआ है, टायर एकदम गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। तो गाइस एक और पंचर मिल चुका है, पंचर के ऊपर पंचर। जो पहला वाला पंचर है ना वही लीक कर रहा है। तो ये नैनबाग का मार्केट है, यहाँ पे लगाया था पंचर। और अब चलते हैं सीधा घर, और दोस्त लोग तो आगे निकल गए, वो है पेट्रोल पंप पे खड़े। तो हम पहुँच चुके हैं परोगी में और यहाँ ना थोड़ा गाड़ी की धुलवाई कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी क्या ही बोलूँ, गाड़ी की हालत बताता हूँ पहले कैसी हो रखी है। चेक करो पहले, इतनी धूल है भयंकर की, धूरी धूल थी उस सड़क को पूरी। अरे भाई गाइस, गाड़ी धुलने के बाद हम निकल चुके हैं तत्तूर की ओर, और मेरे साथ है आयुष बेलवाल और जो लभी भाई हैं संदीप भाई, वो पीछे रह गए अभी तक गाड़ी धुल रहे हैं, और मैंने सबसे पहले धुल दी थी। तो गाइस चलते चलते टायर को पता नहीं क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आ रही टायर में कौन सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया यार इसे। क्या हो गया? तो गाइस मैं पहुंच गया मेन मार्केट थत्तूर, और जो पंचर लगवाए थे ना तो वही पंचर निकल गया एक, और जो पहले वाला पंचर था वही निकल गया गाइस। तो गाइस ये ना आज का तीसरा पंचर लगा भाई टायर पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और अभी जा रहा हूँ मैं बुरांसखंडा, फिलहाल तो भी यहाँ से अकेला हूँ। चलते गाइस यहाँ से।